हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए व्रत की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। सेहत से भरे हुए नाश्ते की एक कटोरी भी आपने दिन में खा ली तो पूरे दिन आप खुद को तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे और स्वाद ऐसा कि इसे आप बिना व्रत के भी बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधी कटोरी साबूदाना ली है। इसे दो पानी धोकर उसमें जितना साबूदाना है उतना ही पानी हमने डालकर एक घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब ये बढ़िया से फूल गया है। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी ये बन गया है। इसे साइड करेंगे और कढ़ाई में अब एक चम्मच घी डालेंगे। घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली डाल देंगे और अब हम इस मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मूंगफली बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही सेहतमंद होते हैं। मूंगफली में पाए जाते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन। ये सारी चीज़ें आप यदि फास्टिंग में लेते हैं तो पूरे दिन आप इससे तरोताज़ा बने रहते हैं। तो मूंगफली फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस बची हुई घी में हम 8 से 10 बादाम डालेंगे। बादाम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। आधा मिनट इसे भून लेने के बाद अब हम इसमें 5 से 6 काजू भी डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम के गुणों के बारे में अब क्या बताएं, ये तो सभी जानते हैं कि इसके खाने के कितने फायदे होते हैं। तो इसे भी हमने थोड़ा सा भून लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे और घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 मीडियम साइज के आलू को इस तरह से काट कर हम इस घी में डाल देंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। आलू को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये सुनहरा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को एक साइड कर लेंगे और इस बची हुई घी में ही हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब हल्का सा क्रैकल हो जाए तब हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसे भी अब जीरा के साथ हम फ्राई कर लेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। व्रत की रेसिपी में लाल मिर्च डालना नहीं होता है तो आपको यदि इससे भी ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। साथ में अब इसमें बारीक कटी हुई 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और अब इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले जब बढ़िया से भुन जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसे आलू में मिक्स कर लेंगे और अब आधे मिनट के लिए इसे और फ्राई कर लेंगे। और अब हम 1 मीडियम साइज का टमाटर भी इसमें काट के डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे जिससे टमाटर भी बढ़िया से पक जाए। टमाटर बढ़िया से भून चुके हैं तो अब हमने जो साबूदाने को भिगो के रखा था उसे इसमें डाल देंगे और अब इसे सब्जियों के साथ आधी मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। साबूदाने को बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता है, इससे क्या हुआ कि फिर पकने में टाइम लगेगा। तो बस इसे सिर्फ आधी मिनट ही हम इसमें मिक्स करेंगे और अब उसी कटोरी से 3 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे जिसमें हमने साबूदाने को भिगोया था और अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने बहुत जल्दी तले में जाकर चिपक जाते हैं तो अब इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अब इस रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। व्रत में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं तो इन्हीं मसालों को थोड़ा सा बढ़ाकर डाल देने से ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अब हम इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे जो कि व्रत में खाया जाता है। यहाँ आंच को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि साबूदाने नीचे से चिपके नहीं और ये जल्दी से पक भी जाए। बिना भिगोए हुए साबूदाने से यदि इस रेसिपी को आप बनाने जा रहे हैं तो 1/2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे साबूदाने को पहले से भिगो के रखा था तो इसे पकने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जा रहा है और इसके दाने भी पारदर्शी होते जा रहे हैं। साबूदाने को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। एक दाना हमने दबाकर चेक कर लिया है और ये बढ़िया से पक गया है। तो अब हमने जो भून के बादाम और मूंगफली को रखा था उसे इसमें डाल देंगे। मूंगफली को हमने डाल दिया है और बादाम काजू में से थोड़ा सा बचा के रख लिया है जिसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इन्हें अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारी व्रत वाली ये चटपटी रेसिपी तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे।
इन्हें मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे ताकि इसके पकने में जो भी कसर बाकी रह गई हो वो पूरी हो जाए। 5 मिनट के बाद अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और देखिए कितनी गाढ़ी और टेस्टी व्रत वाली रेसिपी तैयार हो गई है। अब हमने जो थोड़े से बादाम और काजू को बचा के रखा था उससे इस बोल को गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, व्रत की ये चटपटी रेसिपी तैयार हो गई है। इसे आप आराम से किसी भी व्रत में खा सकते हैं, यदि आप नमक खा रहे हो तो, और यदि आप टमाटर व्रत में नहीं खाते हैं तो टमाटर इसमें नहीं डालिएगा। टमाटर के बगैर भी हमारा ये साबूदाने का खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। इतने साबूदाने से ही यहाँ पे 4 कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और ये पौष्टिकता से भरी हुई हैं। इसकी 1 कटोरी भी आपने व्रत में खा लिया तो पूरे दिन आप तरोताजगी से भरे हुए और तंदुरुस्ती से भरे हुए खुद को महसूस करेंगे और खाने में इतना स्वादिष्ट कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप इसे व्रत के बगैर भी बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।